जल निगम चंबा के निर्माण यूनिट द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानसु का भवन विगत 2 वर्षों से निर्माणाधीन है। भवन निर्माण के लिए विभाग द्वारा अपनी सुविधा के लिए अप्रोच रोड बनाई गई, जिसका मलबा 2 सालों से लोक निर्माण विभाग की पांगरखाल ज्ञानसु मोटर मार्ग के नारदाने के ऊपर डाला गया है, जिससे ज्ञानसु मार्केट का पानी सड़कों में बह रहा है। सड़क पर गड्ढे हो चुके हैं, साथ ही सड़क के किनारे कई पुस्ते ढहने की कगार पर है। 2 वर्षों से मलबे के कारण हैंडपंप भी दबा हुआ है, लेकिन जल निगम चंबा के अधिकारियों द्वारा व कार्य करवा रहे ठेकेदार को सड़क किनारे लगा हैंडपंप भी नहीं दिखाई दिया। तभी तो उन्होंने सारा मलबा लोक निर्माण विभाग की सड़क के नारदाने और हैंडपंप के ऊपर ही डाल दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास रतूड़ी। आज हम मौजूद हैं टिहरी में सारजुला पट्टी के ज्ञानसु क्षेत्र में, जहां पर विगत 2 वर्षों से चंबा जल निगम के निर्माण यूनिट द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानसु के भवन का निर्माण किया जा रहा था और अभी भी निर्माणाधीन है। उस भवन को बनाने के लिए विभाग द्वारा एक अप्रोच रोड का निर्माण भी किया गया, जिसका मलबा उसी के ठीक नीचे ज्ञानसु पांगरखाल मोटर मार्ग पर डाला गया और लगातार 2 वर्षों से जब भी बरसात होती है यहाँ पर जो भी मलबा सड़क का होता है वो पांगरखाल ज्ञानसु मोटर मार्ग पर बहकर चला जाता है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहीं पर नीचे की तरफ एक हैंडपंप है, वो भी इस मलबे के चपेट में आने से दब गया है और पिछले 2 सालों से वो बंद पड़ा हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं, ये वो भवन है जिसको चंबा जल निगम निर्माण यूनिट द्वारा बनाया जा रहा है और ये रही अप्रोच रोड जो सड़क इस भवन को बनाने के लिए मटेरियल लाने के लिए बनाई गई थी, उसका मलबा इससे नीचे पांगरखाल ज्ञानसु मोटर मार्ग पर डाल दिया गया। विभाग की लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही और आला अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज जो पांगरखाल ज्ञानसु मोटर मार्ग है वो कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, हर बार जब बरसात होती है बरसात के कारण सड़कों का पानी, इस अप्रोच जो सड़क को बनाया गया था इसका पानी लगातार पांगरखाल ज्ञानसु मोटर मार्ग पर जाता है और यहीं पर जो आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे ये पानी बह करके नीचे जा रहा है और यहीं पर ठीक नीचे जो पांगरखाल ज्ञानसु मोटर मार्ग है वहां पर एक हैंडपम्प बनाया गया था। हैंडपम्प यहाँ पर इस मलबे के कारण पिछले 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है, दबा पड़ा हुआ है और हर बार जब बारिश होती है बरसात होती है तो इस कारण से सड़कों के हालत भी खस्ता हो गई है। ये पांगरखाल ज्ञानसु जो मोटर मार्ग है इसकी हालत खस्ता हो रखी है, कई जगहों पर पुस्ते ढह गए हैं, कई पुस्ते ढहने की कगार पर है। अप्रोच सड़क अपनी सुविधा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा काटी गई थी, लेकिन इसका खामियाजा स्थानीय जनता को, स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विभाग जो है चैन की नींद सो रखा है, लोग लगातार विभाग से गुहार लगाते हैं, विभाग से फरियाद लगाते हैं कि भाई इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, लेकिन विभाग के आला अधिकारी और ठेकेदार इतने मन मर्जी के हैं कि उनको जो है लोगों की दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं। आज आलम यह है कि अप्रोच सड़क तो किसी काम नहीं आ रही है, लेकिन जो ज्ञानसु मोटर मार्ग है, ज्ञानसु पांगरखाल मोटर मार्ग है, उस पर कई जगहों पर पुस्ते ढह रहे हैं, मलबा गिरा हुआ है और कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। ग्राउंड जीरो से हम आपको यहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालात दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चंबा जल निगम के निर्माण यूनिट द्वारा एक तरफ तो स्कूल की बिल्डिंग बना दी गई है और अभी भी निर्माणाधीन है और दूसरी तरफ जो लोक निर्माण विभाग की सड़क है, ज्ञानसु पांगरखाल मोटर मार्ग है, उसको कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, क्षति पहुंचाई जा रही है।
ये जो पानी है अभी थोड़ा सा कम मात्रा में बह रहा है, लेकिन जब आप ये जगह देख सकते हैं किस तरीके से पानी ने अपनी जगह बनाई है और कैसी खाई बना करके जो है नीचे सड़क तक ही पानी जा रहा है, सड़क से आगे की तरफ बह रहा है और कई पुश्ते इस पानी से, इस कटान से कई पुश्ते ढह चुके हैं और कई पुश्ते ढहने की कगार पर हैं। ये यहाँ से अप्रोच सड़क शुरू की गई थी और आज तक यहाँ पर भी देखिए ये मलबा पड़ा हुआ है, ये भी ठीक नहीं किया गया है। ये पानी आप देख रहे हैं बह रहा है, ये लगातार सड़कों पर बहता रहता है। क्यों? क्योंकि सड़क पर चंबा जल निगम की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। आप देख रहे हैं सड़क पर किस तरीके से पानी बह रहा है और ये पानी नालियों पर बहना चाहिए था जो सड़क पर बह रहा है। ये देखिए, ये आपको सड़क नहीं बल्कि खेत लग रहा होगा, क्योंकि ये जो मलबा है इसके कारण ये सड़क कम और खेत ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से जो आपने ऊपर से अभी पानी आते हुए देखा था वो यहाँ से आकर के, अभी बरसात में काफ़ी घास उगी हुई है, काफ़ी झाड़ियाँ हो गई हैं, उस वजह से ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तस्वीरों में आपको साफ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मलबा किस तरीके से, ये देखिए ये मलबा आ रहा है और ये पेड़ है जिसने कुछ हद तक इस मलबे को रोक के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये मलबा नीचे सड़क पर भी आया है। जब ये मलबा जब बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ लोग अपने आप भी इसको हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इस मलबे से जब पानी सड़क पर बहता है, नालियों से हट करके सड़क पर बहता है, तो ये इस तरीके से। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जो जल निगम द्वारा 2 वर्षों से निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है उसके लिए अप्रोच रोड जो काटी गई है उसका मलबा डंपिंग करने के बजाय विभाग द्वारा, एक तो जो लोक निर्माण विभाग की सड़क है पांगरखाल ज्ञानसू वाली सड़क है, उस सड़क के जो स्कवर है वहाँ पे नारदाना है उसको पूरी तरह वो मलबे से दबा हुआ है, जिसके कारण जो ज्ञानसू मार्केट का तमाम जो पानी है वो नाली पे और वो नारदाने पे जाने के बजाय सड़कों में बह रहा है, जिसकी वजह से कई पुश्ते ढह भी चुके हैं, कई पुश्ते ढहने के कगार पे हैं और साथ ही सड़क में बहुत सारे गड्ढे पड़ गए हैं। तो एक अगर मलबा सही समय पे वहाँ से उठाया जाता, कहीं डंपिंग किया जाता तो निश्चित तौर पे कम नुकसान होता। अब क्या है कि वो नीचे वाली सड़क भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई है, साथ ही वहाँ पे जो मार्केट के लोग हैंडपम्प से पानी भरते थे वो 2 साल से हैंडपम्प दबा हुआ है, और मेरे दूरभाष पे कई बार एक्सन से बात हो गई है, उनके जो जीई हैं उनसे बात हो गई है, लेकिन वो कहते हैं कि आज करवाते हैं कल करवाते हैं। कहीं यहाँ पर चंबा जल निगम के निर्माण यूनिट की मनमानी लापरवाही साफ देखी जा सकती है, किस तरीके से यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की सड़क का, या यूँ कहें कि स्थानीय लोगों की सड़क का किस तरीके से दुरुपयोग, दुर्दशा की जा रही है। ये तो हैंडपम्प की बात रही, सड़क की बात रही, और जो लोगों को परेशानी होती है वो भी आपको दिखाते हैं, किन दुकानों में जो है ये बरसात में ये मलबा दुकानों में घुस जाता है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से अभी घास जमी हुई है, झाड़ियाँ जमी हुई हैं, तो उस वजह से साफ तौर पर देखा नहीं जा पा रहा है, लेकिन यहाँ से बह करके जब पानी के साथ मलबा नीचे आता है तो यहाँ से अभी तो स्थानीय लोगों ने, जिनकी ये दुकानें हैं उन्होंने यहाँ पर ये सुरक्षा के तौर पर ये मलबा यहाँ पर इकट्ठा किया है जो कि ऊपर से ही आया है, और कुछ रोकथाम की व्यवस्था की है, लेकिन जब तेज़ बरसात होती है मलबा तेज़ हो जाता है तो सीधे यहाँ से नीचे और इनकी दुकानों में कई बार घुस जाता है। इन्होंने भी कई बार फरियाद की है, कई बार गुहार लगाई है कि भाई, देखने वाली बात ये होगी कि क्या विभाग अभी भी अपनी नींद से जागता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। और जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो यहाँ पर लगातार बार बार यहाँ पर मलबा आ जाता है, ये हैंडपम्प दबा हुआ है, इसको सही करने में कितना वक्त विभाग लगाता है या अभी भी विभाग नहीं जागता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इसी तरह से विभाग या जल निगम जैसे विभाग, चंबा जल निगम जैसे विभाग, विभागीय अधिकारी या ठेकेदार ऐसा काम करते हैं तो ज़रूर इन पर नकेल लगानी चाहिए।